नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक रघुवंशी फिर से अपने चैनल सफारी एक्सप्लोरर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं जंगल सफारी करने। बंदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में, आज हम चल रहे हैं वहाँ पे टाइगर रिजर्व की टाइगर सफारी करने। दोस्तों, हम वीडियो में आपको सफारी से संबंधित सारी जानकारी दे रहेंगे, जैसे बंदीपुर टाइगर रिजर्व कैसे पहुँचें, यहाँ की सफारी कैसे बुक करें, बुकिंग की कॉस्ट क्या होगी, सफारी की टाइमिंग क्या होगी, और बेस्ट सफारी कौन सी होगी, बस या जीप, और सफारी करने का सबसे अच्छा सीजन क्या होगा, ये सारी जानकारी हम अपने पूरे वीडियो में देते रहेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में लगातार बने रहें, स्किप करने की गलती ना करें, नहीं तो आप कई जरूरी चीज़ें मिस कर देंगे। दोस्तों, यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मैसूर है, जो 74 किलोमीटर है, और एयरपोर्ट 63 किलोमीटर है। दोस्तों, फाइनली हम बंदीपुर गेट पे पहुँच गए हैं, बस अब चलते हैं अपने बुकिंग वगैरह का देखते हैं और फिर आपको सफारी कराते हैं। दोस्तों, बंदीपुर टाइगर रिजर्व की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो भैया, हमारी बस की यात्रा शुरू हो गई। दोस्तों, सफारी की टाइमिंग और फेयर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। रास्ता भाई बड़ा खूबसूरत है जंगल जाने का। अभी तो हम लोग हाईवे पे ही है, मेन रोड पे, आगे गेट के अंदर एंट्री होती है। ये आ गया सफारी का गेट, बंदीपुर टाइगर रिजर्व का मेन गेट। ये जंगल का बफर जोन है। अंत में अब हम लोग आप रोड जंगल में इंटर कर गए हैं। अब यहाँ से देखते हैं क्या माहौल बनता है। ये सारे छोटे डियर हैं, जिनके सींग हैं वो मेल हैं, जिनके सींग नहीं है वो फीमेल है। एलिफेंट आपको दिख रहा है, पूरा झुंड है। लाइफ स्पैन 60 to 65 इयर्स इन वाइल्ड। The calf or below 2 month calf. दो एलिफेंट इधर भी है, दो नहीं तीन है, एक उधर है किनारे। दोस्तों, अगर आप टाइगर साइटिंग के उद्देश्य से जंगल आते हैं तो जीप सफारी आपके लिए बेस्ट होगी, लेकिन अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए बस की सफारी चीप भी है और बेस्ट भी है। गाइड अभी बता रहे थे कि यहाँ पे चार प्रकार के डियर हैं, कांवर डियर, स्पॉटेड डियर, वॉकिंग डियर एंड हॉक डियर। में कुल 173 टाइगर्स काउंट हुए हैं, यहाँ पे 173 टाइगर्स की संख्या है। दोस्तों, बंदीपुर टाइगर रिजर्व आने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से मार्च तक का महीना। ये जंगली भैंस है, यहाँ पे बहुत सारे हाथी हैं, टस्कर भी है यहाँ पे। हाँ, वन टस्कर।
रखेंगे। ये मंगूस है, मंगूस बहुत ही ग्रीन फॉरेस्ट है, इसमें साइटिंग हो पाना बहुत मुश्किल काम लग रहा है। साइटिंग होने के दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो टाइगर को प्यास लगे तब वो निकलता मूव करता है। यहाँ पे हमको नहीं लगता कि क्योंकि इतनी बारिश होती है टाइगर के घर के पास ही पानी मिल जाएगा तो मूव क्यों करेगा। दूसरा, शिकार के लिए टाइगर मूव करता है, तो शिकार के लिए टाइगर लगभग रात में ही हंटिंग करता है। वो देखिए एक और उपलब्ध, तो मैं बता रहा था कि टाइगर हंटिंग रात में ज़्यादा करता है क्योंकि टाइगर एक नॉक्टर्नल एनिमल है, तो रात में उसको 5 से 6 गुना ज़्यादा दिखता है और डियर फैमिली को रात में कम दिखता है, इसलिए उनको हंटिंग करने में ज़्यादा आराम रात में रहता है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट बहुत हो पाता होगा। तो यह हमारी सफारी यहाँ पे समाप्त होती है। अब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गेट है, हम लोग आ गए फिर मेन रोड पर। अब चलते हैं गेट, फिर वहाँ से अपनी गाड़ी उठाते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात समझ में आई कि कंदीपुरा टाइगर रिजर्व में टाइगर की साइटिंग बहुत ही मुश्किल काम है भाई, जिसका सौभाग्य वो बात अलग है, क्योंकि जितने रीजन होते हैं साइटिंग के उनमें से कोई नहीं है भाई। टाइगर नॉर्मली गर्मी के दिनों में पानी के लिए मूवमेंट करता है, या फिर नवंबर दिसंबर में मेटिंग का जब टाइम होता है तब मूव करता है, उस समय रोरिंग भी बहुत ज़्यादा करता है। तो चूँकि अभी जून का महीना है, पानी की यहाँ कमी है नहीं, तो टाइगर का मूवमेंट मुझे नहीं लगता हो पाएगा डे टाइम में, और नाइट में सफारी नहीं होती है तो नाइट में टाइगर के मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है। टाइगर के साइटिंग के चांस बहुत कम है। अगर टाइगर साइटिंग के हिसाब से देखा जाए तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व की कोई वर्थ नहीं दिख रही है, और फिर क्या बताएं, हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखा तो हम अपना क्या कहें। ये नेचर बहुत बढ़िया, ये देखिए टस्कर है, तो दोस्तों हमारी टाइगर सफारी यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर टाइगर साइटिंग के वर्थ से देखा जाए तो बहुत अच्छी सफारी नहीं है, लेकिन मौसम और घूमने के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत सफारी थी। साइटिंग का क्या कहें, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखा तो हमें कहाँ से दिख रहा। मेरा चांस होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ साइटिंग नहीं होती, होती है। आज मेरा चांस नहीं ठीक रहा होगा, नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ है, एलिफेंट बहुत दिखे, एलिफेंट दिखे, उदबिलाव दिखा, जंगली भैंसे दिखे। बहरहाल ये अपनी वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।